माइंडफुलनेस ऑफ अवर थॉट्स, ये पल में मैं किस बातों का मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस तरह मैं सोच रहा हूँ, इसके प्रति जागरूक रहना है, सजग रहना है कि क्या मैं अच्छी चीज़ें के बारे में सोच रहा हूँ या कोई नेगेटिव जो थॉट्स है वो आ रहा है मेरे दिल में, और कितने थॉट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं या रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा साइंस ने प्रूव किया है, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि दिन में 24 आवर्स में लगभग मोर देन 60,000 थॉट्स आर देयर, वी आर थिंकिंग 60,000, और उसमें से आप सोचिए कि आप क्या सोचते हो, पॉजिटिव कितने थॉट्स लेते हैं, रिपीटेटिव कुछ थॉट्स है या कुछ नकारात्मक जो थॉट्स है वो है, क्या सोचते हो आप, और फिर आपकी जिंदगी किस तरह से बदल रही है, क्या वो अच्छे की तरफ बदल रही है या उसमें कुछ रुकावट आ रही है, या आप बिल्कुल थॉट्स जो है उसके बारे में बिल्कुल अनक्लियर हो, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा होता है आपके सामने? जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सोचता हूँ मैं गिवन टाइम में, और कितना सोचता हूँ मैं, क्या मैं ओवर थिंकिंग थिंकर हूँ या मैं सोचता ही नहीं कभी कभी और कुछ भी कर देता हूँ, क्या आपका क्या पैटर्न है आपके लाइफ में, ये ढूंढना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इन एनी गिवन सिचुएशन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। थॉट्स प्रोसेस क्या है, आपकी बिलीफ सिस्टम के साथ साथ आपके थॉट्स किस तरह से चेंज होते हैं, ये सब आपको देखना है, और जब आप ये देखेंगे, उसको नोटिस करेंगे, तो आप में क्या बदलाव होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको हम लोग पुल अप नहीं कर रहे हैं, वहाँ कहाँ पे पुश भी नहीं कर रहे, कहाँ पे पुल भी नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा देख रहे हैं हमारे थॉट्स को, जैसे मानो कि जो आकाश है और आकाश में हम लोग जो बादल देखते हैं तो एक जाने के बाद दूसरा निकल जाता है, तीसरा निकल जाता है, तो उसको कुछ वक्त देना बहुत जरूरी होता है, तो फिर उसके बाद वो जो पूरा स्काई है, आकाश है, पूरा क्लियर हो जाता है। सेम थिंग हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब भी थॉट्स आता है तो उसको सिर्फ देखते हैं, उसके बारे में सजग रहते हैं, उसको हम लोग खींचतानाव बिल्कुल नहीं करते हैं। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स विद यू। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें ये देखना है कि हमारे जो थॉट्स है, थॉट्स के बारे में सजग